बर्ड के लिए लाए हम लोग खाने के लिए, खुद ही खाने लगे। तो दिखावटी किसी करने लगती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सर्दियाँ कैसे जा रही हैं आप लोगों की? हम लोगों की तो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। और देखो आज ब्रेकफास्ट में मैं क्या बना रही, हेल्दी से सैंडविच बना रही। इसमें थोड़ा सा आलू की स्टफिंग रख दिया है मैंने टिक्की टाइप बना के, एंड प्याज, कुकुम्बर, अनियन, टमाटर, दो टाइप की चटनियाँ सब कुछ बना दिया। और गर्मा गर्म सेक लूँगी और खाऊँगी। एंड उसके साथ ही फिर हम लोगों ने ये जूस निकाला था ऑरेंज का, तो ये भी कुछ ठंडा है इसलिए मैं अभी नहीं, थोड़ी देर में पीऊँगी। और इसके बाद अब हम लोग बाहर जा रहे हैं धूप में थोड़ी देर के लिए। इधर आओ, पटाखा फट जाएगा, इधर आओ। अरे स्ट्रेंजर अंकल। अब हम लोग यहाँ से जा रहे, तो हम लोगों को थोड़ा सा काम था तो वही गाड़ी यहाँ पे साइड में पार्क कर दिया। मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, मैं ना बेबी को कार में अंदर देख रही हूँ। और बस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं फिर घर जाएंगे। तो देखो घर आ गए और बेबी ने देखो एक डॉल लिया और इसके आटा सारे आँखों में लगा दिया, मुँह में लगा दिया। मैं देख ही नहीं पाई थी, मैंने बाद में देखा, मैं इतना हंसी और इतना हंसी। तो बेबी से मैंने बोला चलो रिमूव करो, सारा क्लीन करो, तो वही वो कर रही। और उसके बाद डिनर में मैंने रात में ये आलू के बॉन्डे बनाए थे ऑयल फ्री, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे। और चटनी बनाए थे स्पाइसी वाली हरी चटनी, और फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म खाया। और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है ना, सेम कचौरी जैसा होता है, बस कचौरी जैसे डीप फ्राई करते हैं और इसमें हल्के से ऑयल में ही फ्राई हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे तो खाने में। आज हम लोग आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट पार्क। ओहो बेबी, गर्मी ठंडा मौसम तो, बट बाहर ना बहुत अच्छा वेदर है। तो दिखावटी किसी करने लगती है। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा उधर कुछ काम था करने गए। पिटू प्लीज कर लो, माइलो पिटू। पार्क में खाने के लिए हम लोगों ने दो समोसे भी रास्ते में परचेज कर लिया था। यहाँ पे ना पहले बहुत सारे पिजन्स रहते थे, लेकिन अब जाल लगा दिया ताकि सब लोग खाना वाना ना डालें वहाँ पे। गाड़ी खड़ी ना अच्छे से दिख नहीं रहा है, वो देखो पापा जी आ रहे हैं। दो समोसे हैं देखो अलग अलग पेस के, ये भी 15 का है, ये भी 15 का है। कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, देखो कौन आगे निकलता है। अब आ रहा है, ये बर्ड के लिए लाए हम लोग खाने के लिए, खुद ही खाने लगे। ये सब ना नमकीन वगैरह बहुत रखी थी मैंने, तो बर्ड लोग ले जाते हैं। सब लोग देखो धूप में बैठे हुए हैं, वहाँ पानी है मायरा। हाँ बेटू वहाँ नहीं, वहाँ ये देखो, ये देखो बेटू वहाँ नहीं जाते हैं ना, अभी हम लोग कुछ खा करेंगे पहले। आ जाओ बैठो। ये दो समोसे हम लोगों ने अलग अलग शॉप से परचेज करा था, दोनों का रेट भी सेम है, बट जो छोटा वाला समोसा है ना वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, ना स्पाइसी भी था, एंड बड़ा वाला थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था। थोड़ा फिर खाने के बाद ना बेबी जो है बोली मुझे स्लाइड करना, तो हम लोग उसको स्लाइड कराने के लिए यहाँ पे लाए, तो यहाँ पे कुछ लड़के ऑलरेडी खड़ी हुई थी तो बेबी अच्छे से स्लाइड नहीं कर पा रही थी। तो हम लोगों ने कहा चलो अच्छा ठीक है बेबी चलो, तब तक हम लोग ना बर्ड को कुछ खाना खिला देते, क्योंकि हम लोग घर से जो नमकीन वगैरह रखी थी, बिस्किट जो नम हो गए थे ना, तो वो हम लोग लाए थे, तो वही बेबी ना उन लोगों को खिलाने जा रही थी। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे कौवे वगैरह हैं और चिड़िया हैं ना, कहीं कोई मार भर दे आके बेबी के सर पे, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। तो वही हम लोग बेबी को करे बेबी ज़्यादा दूर नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं, लेकिन वो उसको क्या है वो तो चली जा रही थी। एंड इसके बाद देखो क्या इंसिडेंस हो गया था आगे। अंकल नहीं बोल रहे, अंकल लगता हूँ मैं, अंकल को ये भी लगता है पार्ट बन जाए, हमें अंकल बनाओगी भैया, किसको बोलोगी? जय माता दी, प्लीज रैम करो ऊपर। कोई भी उसकी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट वो फिर भी मुझे देख देख के सुना रहा था कि कुछ बच्चों ने उसको अंकल बोल दिया है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैं बस स्माइल कर रही थी, उस लड़के को देख देख के हंस रही थी। और ऐसे ही वो प्रैक्टिस कर रहा था ना, कुछ डेली प्लस का टी शर्ट पहना था, बाकी वो पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे पता नहीं है। मतलब ये तो मुझे दिख रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा, बाकी कुछ तैयारी वगैरह कर रहा होगा ना, इसलिए बहुत रनिंग कर रहा था, बहुत एक्सरसाइज कर रहा था, अलग अलग झूले वगैरह पे जाके, एंड जिम वगैरह भी कर रहा था, क्योंकि उधर थोड़ी दूर पर जिम के भी सारे इक्विपमेंट्स थे। तो बेबी फिर से स्लाइड करने लगे और वो चला गया था, बेचारा चिढ़ गया था बहुत सारा। तो इतना सारे लोग हंस रहे थे, इतना सारे लोग हंस रहे थे, सब लोग कहते ये भाई अब बच्चों के तो आप अंकल ही लगोगे ना, बच्चे आपको भैया थोड़ी ना कहेंगे। जैसे मान लो अमायरा है 2 साल की है, अब वो लड़का इतना बड़ा है, वो खुद ही कह रहा था आई एम ओनली 26 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर कॉलिंग मी अंकल, प्लीज कॉल मी भैया, ऐसे ऐसे बोला। अब बताओ 2 साल का बच्चा 26 साल के लड़कों को क्या कहेगी, अब भैया तो नहीं बोलेगी ना, तुम इससे बड़े हो इतना। तो इतने ज्यादा हंसी आ रही थी। मायरा आपका पापा जी ने कैसे डांटा था, कैसे रो रहे थे आप, ऐसे रो रहे थे? और चीकू क्या कर रहा था, चीकू क्या कर रहा था?
अच्छे से बोलो, चीकू कैसे रो रहा था? चीकू को क्या हो गया था? तोत लग गया था। और चीकू क्या कर रहा था? लोने लगा था। तो पापा जी ने क्या किया था? रोते नहीं चीकू, ऐसे बोला था, गोदी लिया था। और ये आप क्या कर रहे हो प्लेट में? खाका खाओगे? ये किसका खाका है? श्री खाका है। श्री ने दिया है। श्री ने दिया है। थैंक यू श्री। ओके बाय बाय, से बाय बाय। अच्छा इधर देखो, बोलो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, बोलो शेयर सब्सक्राइब।